नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ डीजो बॉट 2 स्पोर्ट की। दोस्तों ये एक डीजो की नई पॉच है जो डीजो की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुई है। दोस्तों आज मैं आपको इसी वॉच के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और आपको इसकी प्राइस बताऊंगा कि ये वॉच दोस्तों कितने रुपये की मिल रही है आपको, और ये आपको दोस्तों कितने रुपये मिल सकती है जब दोस्तों ये ऑफर में मिलती है तो आपको कितने रुपये मिल जाएगी। और दोस्तों इस वॉच की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों देखिए जी है दोस्तों डीओ की बॉश 2 स्पोर्ट जिसकी एमआरपी है 3500 रुपये, जिसको मैंने सिर्फ 2000 रुपये में ख़रीदा है, बट अभी इसकी दोस्तों जो प्राइस है वो 2300-2400 रुपये है। तो आप इसको 2000 रुपये में कैसे ले सकते हो जे भी दोस्तों मैं आपको इस आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ की एलाइट की। तो दोस्तों ये देखिए इसमें आपको 4.3 सेंटीमीटर की एक फुल टच स्क्रीन मिलती है, 4.3 सेंटीमीटर की यानी कि 1.69 इंच की। 110 से ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर स्पोर्ट मोड देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका नाम ही है डीजो बॉट 2 स्पोर्ट, तो आपको इसमें 100 से भी ज़्यादा स्पोर्ट मोड देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको ब्लड ऑक्सीजन एंड हार्ट रेट मॉनिटर भी देखने को मिलता है, और दोस्तों ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर IP68 की रेटिंग नहीं मिलती, तो हल्की फुल्की बारिश में दोस्तों इस वॉच में कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है तो फिर भी ये वॉच बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बट हाँ दोस्तों अगर जो पानी डूबती है तो इसमें कुछ कमी आ सकती है, तो आपको ऐसा कुछ भी गलती नहीं करनी है क्योंकि इसके अंदर IP68 की रेटिंग नहीं देखने को मिलती। बैटरी बैकअप की बात करें तो 10 दिन का बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिलता है, सिर्फ एक बार फुल चार्ज कर लोगे तो आपको इसमें 10 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है, ऐसा कंपनी ने क्लेम किया है, बट मैं आपको बताता हूँ कि 6-7 दिन ये आराम से चल जाएगी। और दोस्तों इसमें आपको 150 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी वॉच निकाली है डीओ ने। और दोस्तों डीओ जो कंपनी है वो रियलमी की ब्रांड है, तो जब भी इस वॉच में कोई कमी आती है तो आपको रियलमी के सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा इस वॉच को लेके। तो काफ़ी लोग बोलते हैं डीजो दोस्तों की नई कंपनी है, दोस्तों डीजो नई कंपनी नहीं है, डीजो रियलमी का ही एक ब्रांड है। तो अब मैं दोस्तों इस वॉच को ओपन करता हूँ, इस बॉक्स को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में दोस्तों हमें कैसे कैसे कंटेक्ट मिलते हैं और क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों ये है दोस्तों ये कुछ पेपर वर्क जिसमें आपको इस वॉच के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे दोस्तों आप इस वॉच में इसको ऑन कर सकते हो, कैसे चार्ज वगैरह कर सकते हो। ये देखिए, और दोस्तों ये है इसकी चार्जिंग केबल जिसमें आपको मैग्नेटिक सिस्टम देखने को मिलता है, जो मैग्नेटिक पॉइंट है इसके जिनको आपको वॉच के ऊपर लगाना है, ये साइड में दिए गए हैं चमकने वाले ये वाले। तो चलिए दोस्तों मैं पहले वॉच को निकालता हूँ, वॉच हमें आगे की तरफ देखने को मिलती है। तो ये देखिए जी है डीजो वॉच, डीजो की वॉच दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको इस रैपर को हटाता हूँ इसके ऊपर से। ये देखिए जिसमें आपको दोस्तों ये स्टेप मिलते हैं जो सिलिकॉन मटेरियल से बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगती है। ये देखिए आपको इनको आप इसे किसी तरह से मोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस स्टेप में। और दोस्तों इसका जो पीछे का जो हिस्सा है ये प्लास्टिक का है। आगे दोस्तों आपको 4.3 सेंटीमीटर की डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो आपको ये बटन दिया गया है, इसको आपको दबा के रखना है। अच्छा दोस्तों ये ऑन हो चुकी है। तो आपको देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसमें आपको, हार्ट रेट मॉनिटर ये देखिए आपको इसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 दोस्तों स्लीपिंग मॉनिटरिंग, वर्कआउट वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जब आपको इसमें बहुत पैसे चेंज करना हो तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर डिस्प्ले मेन डिस्प्ले पे आके क्लिक करके रखना है, और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे ये देखिए। और भी ज़्यादा दोस्तों आपको बहुत पैसे दोस्तों यूज करने हैं तो आपको डीजो की एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है और उससे दोस्तों इस फ़ोन को कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है ये देखिए,
ये देखो सेटिंग में आने का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्यूआर कोड का, ये देखिए ऐप से पाओगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड बना हुआ आएगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, अपने फ़ोन में जो डीजो की वॉच है ओपन करके दोस्तों, ये देखिए डीजो की वॉच को ओपन करके इसमें आपको पहले अपनी आईडी वगैरह बना लेनी है। यहाँ पर दोस्तों इसकी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करके साइन अप करके अपने क्यूआर कोड से दोस्तों इसको स्कैन करना है इस फ़ोन से, उसके बाद दोस्तों ये ऑन हो जाएगी। तो मैं ये सब बाद में करूँगा, फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी वॉच है, 2000 रुपये दोस्तों मैंने इसको लिया है, क्योंकि मैंने इसको पहली सेल से ही ले लिया था। अगर आपको ये वॉच चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हो, खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वॉच है 2000 रुपये के अंदर, क्योंकि इतने सस्ते में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें फंक्शन देखने को मिल रहे हैं। और डिज़ाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है, ये देखिए जब मैं इसको अपने हाथ पे पहनता हूँ तो काफ़ी अच्छी लगती है। फिलहाल मेरे हाथ में दोस्तों सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 3 है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो जी दोस्तों काफ़ी अच्छी वॉच है, 2000 रुपये में दोस्तों आपको एक स्मार्ट वॉच रियलमी की तरफ से देखने को मिल रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।